मैं आलोक गांगुली और आप देख रहे हैं सोना न्यूज हर पल नजर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयदेव मुंडा नूरू, छगन मुंडा नूरू, रंजित मुंडा नूरू सभी राहे प्रखंड से हैं। ताली बजाने बोल दो, ताली बजाने बोलो सर। सभी जोरदार ताली हमारे नए साथियों के लिए। दिल्ली प्रखंड का ढूंढी पहाड़ का ऊपर का गांव है भाई। हाँ, सुभाष भैया, डब्लो भाई, सीधा भैया, लोग ले आइए। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एक ग्रुप फोटो होगा, लाइन से खड़ा हो जाइए सबको। एक ग्रुप फोटो होगा और ये मिलन का संकेत है। वो साथियों से आग्रह है कि वहाँ पर रास्ता छोड़ दे, सीढ़ी के सामने रास्ता छोड़ दे। मुकुंद मुंडा नूरू, शशिकांत मुंडा, मैगनाथ बेदिया, जोगेश्वर बेदिया, श्रीकांत बेदिया, गणेश बेदिया, दयाल बेदिया, कृष्णा बेदिया और एक हमारी दीदी भी है वासनी देवी, और सौरय बेदिया, सौरय मौली, सॉरी। हाँ, इसके बाद हमारे प्रस्तावित पूर्वी प्रखंड सोनहातू, जो सुदेश बाबू का आदर्श क्षेत्र है, प्रस्तावित सोनहातू पूर्वी प्रखंड मान्योड़ी गांव से जो आए हैं, मान्योड़ी गांव जगबंधु दास के नेतृत्व में, मान्योड़ी अशोक भैया देख लीजिए, मान्योड़ी से मान्योड़ी जोरदार ताली मिलन के लिए। ऐसा मिलन करना इस पर खोज से नहीं मिलेगा किसी को। आज सुपाटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, आज आसू पार्टी आपने ज्वाइन किया, क्या कारण हुआ कि आसू पार्टी आपने ज्वाइन किया? देखिए, ये सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जिस उम्मीद और भरोसा के साथ हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा अमित महतो जी का साथ दिया था, आज सारे वर्ग को, विशेषकर युवा वर्गों को छलने और ठगने का काम किया गया है। विकास के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर भी युवाओं को ऐसे बरगलाने के सिवा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुछ नहीं रहा। सुदेश महतो पहले भी विकास पुरुष थे और आज भी विकास पुरुष हैं। हम लोगों ने जो 10 साल सिल्ली क्षेत्र को पीछे धकेलने का काम किया, आज इसके प्रायश्चित के रूप में पुनः विपुल मत से सुदेश महतो को आगे लाने के लिए हम साथ में आए। और क्या क्या मुद्दे को लेकर आप आए हैं, जो विकास को लेकर, जो विकास सोच के आप रखे हैं, जो 5 सालों से 10 सालों से, वो किस तरह का विकास है जो आप सिल्ली विधानसभा में देखना चाहते हैं? सिल्ली विधानसभा का जो पिछड़ा इतिहास रहा है, सुदेश बाबू के समय जो एक रफ्तार पकड़ी हुई थी, विकास की जो एक प्रक्रिया चली थी, बस उसी को ट्रैक में लाके पुनः उसी ट्रैक में विकास द्रुत गति से बढ़े। जो युवाओं को बरगलाने और छलने का काम किया जा रहा है, स्थानीयता के मुद्दा में, नौकरी के मुद्दे में, उसके विरुद्ध युवाओं को सही दिशा में सही मार्गदर्शन। किसके द्वारा ये छला जा रहा है? ये छला गया है पिछले झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं बतला सकता हूँ। आज मैं एक बात बता दूं, सन 1993 में जब केंद्र में नरसिंह राव सरकार थी, 6 सांसद की आवश्यकता थी उनका सरकार बचाने में, और वे 6 सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे। उस समय अगर झारखंड राज्य को मुद्दा बनाकर अगर साथ दिया होता तो आज शिबू सोरेन पूरे झारखंड के, झारखंड आंदोलन के महानायक होते, लेकिन उन्होंने स्वर्गीय निर्मल महतो, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के कुर्बानियों को भी तिलांजलि देके अपने व्यक्तिगत हित में झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया है। इससे और अगर आज वो हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं नौकरी के नाम पर, और वो CNT और CTPT एक्ट क्या होता है उसको अगर समझा रहे हैं, तो ये मेरे समझ से परे है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार चटर्जी। कहाँ से? राहे से। और कितने लोग आपके साथ ज्वाइनिंग किए हैं? देखिए, अभी तो एक ताता लगा हुआ है,
अभी यह कहना मुश्किल है कि ये ताता कब जाके कहां खत्म होगा।